बिग बॉस का 17वां सीजन काफी ड्रामों से भरपूर रहा। सलमान खान के सीजन में कई कंटेस्टेंट्स शुरुआत से ही चर्चा में रहे, जिसमें अंकिता लोखांडे से लेकर विक्की जैन और मुनव्वर फारूकी सहित कई कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल हैं। वहीं एक बार फिर से अंकिता लोखांडे अपनी सास के निशाने पर आने वाली हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। आपको याद होगा कि बिग बॉस 17 के घर में जब फैमिली वीक चल रहा था, उस दौरान अंकिता लोखांडे और विक्की जैन दोनों की मां घर के अंदर बतौर मेहमान बनकर आए। बिग बॉस से निकलने के बाद अंकिता लोखांडे की सास ने बताया है कि वो अंकिता और विक्की की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस द्वारा बार बार सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उसे सहानुभूति लेना बताया था। अंकिता की मां ने उन्हें समझाया था कि बार बार सुशांत का नाम मत लिया करो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा लगता है। कुछ लोगों ने भी ये कहा था कि अंकिता बार बार सुशांत सिंह राजपूत का नाम शो में सहानुभूति पाने के लिए ले रही हैं, लेकिन लगता अंकिता को अपनी मां की बात समझ नहीं आई और उन्होंने फिर सुशांत को याद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज से ठीक 15 साल पहले टीवी पर एक सीरियल शुरू हुआ था, पवित्र रिश्ता। इस शो में अंकिता लोखांडे और सुशांत सिंह राजपूत अर्चना और मानव बनकर आए और सबके दिलों में बस गए। आज 15 साल पूरे होने पर अंकिता ने शो को आभार जताया और अंकिता ने बताया कि वो जो कुछ भी है सुशांत की वजह से ही है और उनके बिना वो कुछ नहीं कर पाती। इमोशनल नोट के साथ अंकिता ने सुशांत संग कई पुरानी तस्वीरें भी शेयर की, जिन्हें देख आप पुरानी यादों में खो सकते हैं। अंकिता लोखांडे सोशल मीडिया पर लिखती हैं, ये सिर्फ अर्चना के 15 साल नहीं है, ये अर्चना और मानव के भी 15 साल हैं। एक ऐसा जोड़ा जिसने प्यार, शादी, समझ और साथ को मूर्त रूप दिया। वो परफेक्ट है, वे वही हैं जिन्हें हम गोल्स कहते हैं। उन्हें मुझे सिखाया कि सही शादी का मतलब क्या है। इसके अलावा अंकिता ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया, इसे कैप्शन में वो लिखती हैं, अगर मुझे सुशांत का सपोर्ट नहीं मिलता होता तो मेरी जर्नी पूरी नहीं हो पाती। जब मैंने पवित्र रिश्ता शुरू किया था तब मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी, उसने मुझे सिखाया और इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। बता दें कि पवित्र रिश्ता सीरियल साल 2009 में टेलीकास्ट हुआ था और साल 2016 में इसका आखिरी एपिसोड आया था। सुशांत को इस शो में बहुत प्यार मिला। खैर, अब इंतज़ार तो इस बात का है कि अंकिता की इस पोस्ट को देखकर उनकी सास का क्या रिएक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।